अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, पीपीएससी पेपर 2020 का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट टू है। जो क्वेश्चंस के नीचे शॉर्ट डिटेल दी जाती है वो एमसीक्यू के रिलेटेड होती है, तो एग्जामिनर जो है वो उनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31। इन एमएस एक्सेल 2016 जूम लेवल ऑफ पेज कैन ओनली बी, जो जूम लेवल है पेज का नॉर्मली एमएस एक्सेल 2016 का, वो कितना है? तो वो है 10% टू 400%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32 है, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है हमने करेक्ट वो फाइंड आउट करना है। मजीद सेड इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो, तो इसका इनडायरेक्ट जो बनता है, मजीद सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, तो ये इसका इनडायरेक्ट है जो राइट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 है, इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल आर। एम एस वर्ड में जो फंक्शन है कंट्रोल आर, वो किस चीज़ का है? तो यहाँ पे उसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। कंट्रोल आर से बेसिकली क्या होता है, जो टेक्स्ट होती है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, दरमियान में आ जाती है कंट्रोल आर से। तो टेक्स्ट की लोकेशन चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल आर। क्वेश्चन 34 है, हु वन द 50 ओवर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2015। 2015 का 50 ओवर का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35 है, डेड सी इज लोकेटेड इन। डेड सी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर वाक़ है? वो है ऑप्शन बी, इसराइल एंड जॉर्डन। इसराइल और जॉर्डन में वाक़ है, और ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो वेस्टर्न एशिया की हैं, और डेड सी की जो लेंथ है वो है 50 किलोमीटर। तो ये शॉर्ट डिटेल में से भी एग्ज़ामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए जो है इससे रिलेटेड जो शॉर्ट डिटेल दी जाती है। क्वेश्चन 36 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन 3/8 ऑफ द केक हैज़ बीन ईटन। तो फ्रैक्शन क्या बाकी रह जाती है केक की, अगर 3/8 जो है वो केक खा लिया जाए, तो बाकी बचती है 5/8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर डाटा इन एमएस एक्सेल सेल। तो कौन सा मेथड जो है वो यूज़ नहीं होता डाटा जो एमएस एक्सेल में एंटर करने के लिए? तो वो है ऑप्शन सी, प्रेसिंग द एस्केप की। कीबोर्ड की लेफ्ट साइड पर ऊपर टॉप की जो होती है ESC, उससे जो है वो डाटा एंटर नहीं होता एक्सेल में, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 है, ऑल रिप्लाइड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर। जो ईमेल्स हम रिप्लाई करते हैं, किसी ईमेल का रिप्लाई करें, तो वो रिप्लाइड ईमेल जो है वो किस फोल्डर में स्टोर होती हैं? वो होती हैं सेंट फोल्डर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 है, व्हेन टू पीपल कोलैबोरेट ऑन एन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम दे आर कोलैबोरेटिंग। अगर दो लोग जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑनलाइन किसी डॉक्यूमेंट पे सेम टाइम में, तो वो बेसिकली किस चीज़ पे कोलैबोरेट कर रहे होते हैं? वो सिंक्रोनसली, तो सिंक्रोनसली कहते हैं उस टर्म को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40 है, बाइनरी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ द वैल्यू 1 एंड 0, वेयर 0 मीन्स। बाइनरी सिस्टम है उसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, 1 और 0, तो जो इसमें 0 वैल्यू है उसका क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो डी है, ये लो होती है। क्वेश्चन 41 है,
इफ आई एम सिक्स इन अस क्यू फ्रॉम इधर एंड, अगर मैं छठे नंबर पर एक क्यू में खड़ा हूँ, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू, तो उस क्यू में कितने लोग हैं। तो ज़ाहिर अगर छठे नंबर पे खड़े हैं तो पांच ही आगे होंगे और पांच ही पीछे होंगे, तो छठा वो है, तो पांच और पांच 10, और वो खुद जो है वो 11। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो 11 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 है, डैश इज सिलिकॉन चिप विच कैरीज आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। तो एक सिलिकॉन चिप होती है जो कि कैरी करती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को प्रोसेस करती है एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। तो वो प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका रिजल्ट देता है इंफॉर्मेशन की सूरत में। क्वेश्चन 43 है, द फर्स्ट नेटवर्क इज कॉल्ड, फर्स्ट नेटवर्क जो था उसको क्या कहते थे, आर्पानेट। द फर्स्ट वाइड एरिया पैक्ड स्विचिंग नेटवर्क, तो ये फाउंड हुआ था फ्रॉम 1966 एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा। 1966 में एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, तो उसने ये दरियाफ्त किया इसको, और इसके ऑपरेटर ये इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1975 में डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी के तौर पर। तो डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी में इसका इस्तेमाल जो 1975 से स्टार्ट हुआ था, तो ये था आरपानेट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44 है, योम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग ऑन, योम तकबीर डे जो है वो पाकिस्तान में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 28 मई 1998 में द न्यूक्लियर टेस्ट मेड पाकिस्तान द सेवन्थ नेशन टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। तो पाकिस्तान ने एटमी तजर्बा किया था 28 मई 1998 में चागी के मुकाम पर, जिससे पाकिस्तान जो है दुनिया का सातवां एटमी मुल्क बन गया था, एंड द फर्स्ट इन द मुस्लिम्स वर्ल्ड। तो जो पहला मुस्लिम मुल्क था, जो मुस्लिम मालिक दुनिया में, तो वो पहला मुस्लिम मुल्क बन गया था जो कि एटम बम जो है वो रखता था या एटमी ताकत बना। क्वेश्चन 45 है, हड़प्पा इज़ अ सिटी इन पंजाब अबाउट 24 किलोमीटर्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ, हड़प्पा जो है वो पंजाब की किस सिटी के 24 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वाक़े है, तो वो है साहिवाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46 है, द फाइल टाइप डैश इंडिकेट द फाइल्स एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कौन सी फाइल टाइप होती है जो कि इंडिकेट करती है वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो वो DOC, डॉक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड ऑन इक्वेटर, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इक्वेटर पर वाकई है, तो वो मालदीव्स, गबोन, इंडोनेशिया। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों कंट्रीज ही इक्वेटर पर वाकई हैं। क्वेश्चन 48 है, द फेमस एडम्स पीक विच इज़ वेनरेटेड बाय क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट्स एंड हिंदूज इज़ लोकेटेड इन। एक फेमस एडम पीक है जो कि जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बुद्ध मत भी हैं और हिंदू भी हैं, तो वो कहाँ पर वाकई है, वो श्रीलंका में, एडम्स पीक माउंटेन इन साउथ वेस्ट श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो सैलोन था। 7,360 फीट और 2,243 माइल्स हाई एंड 11 माइल्स 18 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ रत्नापुर। इट इज़ लोकेटेड इन द श्रीलंका हिल कंट्री। तो ये श्रीलंका हिल कंट्री में वाकई है, ये है एडम पीक। क्वेश्चन 49 है, विच जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर, कौन सा कंप्यूटर जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, तो वो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, वो है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 50 है, पेंट प्रोग्राम्स कीप ट्रैक ऑफ एवरी डैश प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। पेंट जो है प्रोग्राम है वो ट्रैक करता है पिक्सल जो है स्क्रीन पर प्लेस करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर एन ईमेल बाउंस। तो कौन सी जो है वो मेजर रीजन नहीं है ईमेल बाउंस करने की, तो ये है बैड यूजर अकाउंट नेम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो क्या है, वो है एक वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इनिशियल रिलीज डेट जो थी मोज़िला फायरफॉक्स की वो भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो थी September 23, 2002, 23 सितंबर 2002। इसके डेवलपर जो था वो मोज़िला कॉरपोरेशन थी। इसके फाउंडर्स हैं मिचेल बेकर एंड ब्रेंडन ए। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को में, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है। तो ये है मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन 53 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इंडिकेट्स द वन हु हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसने पाकिस्तान को इंडिकेट किया था यूएनओ में एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो था पतरस बुखारी, ऑप्शन बी। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएन 30 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान जो है वो यूएन का मेंबर बना। परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है मुनीर अकरम। क्वेश्चन 54 है, रोनाल्डो इज़ अ ब्राज़ीलियन रिटायर्ड प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ डैश। रोनाल्डो जो था वो एक ब्राज़ीलियन रिटायर्ड प्रोफेशनल प्लेयर था फुटबॉल का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 55 है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली इनपुट को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में या आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तो ये इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। क्वेश्चन 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इन में से कौन सा कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल है, वो है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज को क्या कहते हैं एक्सेल में, तो वो कहते हैं सेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 58 है, इन कंप्यूटिंग MB स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर की जबान में MB को क्या कहते हैं, मेगाबाइट, ऑप्शन बी। और एक मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। क्वेश्चन 59 है, हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ। हरारे जो है वो कैपिटल है जिम्बाब्वे का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हेल्ड। फर्स्ट सेशन जो हुआ था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हेल्ड हुआ था, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। ये बेसिकली 10 अगस्त 1947 में हेल्ड हुआ था एट सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में। व्यूवर्स, फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।